प्यारे बच्चों, एक चींटी थी, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चींटी बहन जरा रुक जाओ। चींटी रुक गई, पूछने लगी क्या बात है। टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ बाग में खेलें। चींटी ने कहा, मैं कैसे खेलूं, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चींटियां क्या खाएंगी। मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते ही हैं जी। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भागता हुआ आया, चींटी का दरवाज़ा खटखटाकर कहने लगा, चींटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ। जब तक बारिश रहेगी उस वक्त तक यहीं रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। चींटी बोली, भाई टिड्डे, तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा, जाओ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जो सुस्ती करे उसकी सज़ा यही है। टिड्डा गिड़गिड़ाया, चींटी बहन इस बार माफ़ कर दो, आगे से मेहनत किया करूँगा। चींटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा रोती शक्ल लिए हुए चला गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें हर काम मेहनत, लगन, दयानतदारी और मोहब्बत से करना चाहिए ताकि हम कामयाब हों। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।